नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। पूरे देश में ब्लू व्हेल गेम का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस गेम ने कई मासूमों की जान ले ली है। इतना ही नहीं, कई मासूम अभी भी इस गेम की चपेट में हैं। लगातार बढ़ रहे इस गेम के प्रकोप को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश के पुलिस मुखिया सुखलांत सिंह भदौरिया ने इस खूनी गेम के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस मुखियाओं को एक निर्देश देते हुए इस अभियान के तहत छोटे मासूम बच्चों को इस गेम से दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करने को कहा है। पेश है मैनपुरी से प्रमोद झा की एक रिपोर्ट। इस गेम के बारे में मैंने सुना है, ये गेम खूनी खेल है, इसलिए मैंने बच्चों को इससे बिल्कुल अलग रहने के लिए मना किया। पुलिस ने भी इस गेम के बारे में अलर्ट कर दिया। ब्लू व्हेल गेम खेलते हुए बहुत बच्चे उसमें अडिक्ट होने के बाद सुसाइड तक पहुंच रहे हैं। इसमें DGP महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए थे। इसमें मैनपुरी जनपद में अभी तक कोई भी बच्चा इस तरह गेम खेलते हुए कोई खतरा में नहीं आया था। तब भी हम लोग सतर्कता रखते हुए हर स्कूल में जाकर इस ब्लू व्हेल गेम के बारे में सभी बच्चों से भी अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर दिया था। इस संडे में मेरे द्वारा सेंट थॉमस स्कूल में किया गया था और एडिशनल SP महोदय द्वारा 2-3 स्कूलों में कर दिया था और अन्य स्कूलों में, और आने वाला 2-3 दिन में हम करा लेंगे। और पेरेंट्स को ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपना बच्चों को इतनी छोटी उम्र में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन मत दीजिए। अगर दे दिया तो भी इस तरह का सतर्कता बिल्कुल होना चाहिए। घर के अंदर अकेले बैठ के क्या कर रहा है या गेम किस तरह खेल रहा है, ये सब सावधानी होना चाहिए। ये मेरा मैनपुरी का पुलिस का तरफ से एक पेरेंट्स को एक अनुरोध है।